उन लोगों ने लड़की से दोस्ती की, फिर उसे धोखे से नशीली दवा पिलाकर उसकी असमत से खिलवाड़ किया और बाद में उसे ही ब्लैकमेल करने लगे। पानी जब सर से ऊपर हो गया तो लड़की की शिकायत पर दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस की गिरफ्त में ये वो धोखेबाज जिन्होंने दोस्ती को दागदार किया है। पहले इन्होंने अपने साथ पढ़ने वाली मिनी से दोस्ती की और जब उनको इन पर भरोसा हो गया तो एक दिन नोट्स के बहाने उसे बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसकी असमत लूट ली। इतना ही नहीं, इन दोनों ने इस कारगुजारी का बाकायदा वीडियो भी बनाया। होश आने के बाद मिनी को अपने साथ हुई ज्यादती का एहसास तो हो गया था, लेकिन परिवार की इज्जत की वजह से वो पुलिस में नहीं गई और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर इन लोगों ने मिनी को क्लिप दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये सभी जो लड़के उसके दोस्त लोग हैं, पहले से अभी कॉलेज में पढ़ते सब, और सब बाहर से पढ़ रहे हैं और एक ही एरिया के सब रहने वाले रहे। उसका कंप्लेन ये है कि सब ये दोस्त लोग है उसमें से कोई, उसने बुलाया कि नोट्स लेने के बाद से उसके रूम पे बुलाया था। रूम पे बुलाने के बाद कुछ कोको कोला में कुछ इसमें कुछ भी उसका नशे जैसा कुछ दिया उसका कहने का। उसके बाद ऐसा कंप्लेन है उसका कि कुछ तो उसका एमएस निकाला ऐसा कुछ है मोबाइल में ऐसा। उसकी इंक्वायरी के बाद हमने दो एक्यूज जो है अभी अरेस्ट किए हैं। कॉलेज में पहला पहला कदम और जवानी की दहलीज पर होने वाले अपराधों के मद्देनजर परिवार वालों को तो सचेत रहना ही होगा, बल्कि खासतौर पर लड़कियां भी सावधान रहें। दोस्ती जरूर करें लेकिन सोच समझ कर, और जरूरत से ज्यादा भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। मिनी ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अपने परिवार के साथ तिलक नगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने दो दोस्तों को तो गिरफ्तार कर लिया है लेकिन अभी भी एक फरार है। जब पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल चेकअप करवाया तो उसके साथ बलात्कार होने की पुष्टि हो गई। मेडिकल जांच में ऐसा है, इसके लिए हमने सेक्शन अल्टरनेस किया है। पहले पीछे जो कंप्लेन है 354 का था मोदी स्टेशन का, मेडिकल जांच में हमने सेक्शन बढ़ाया उसमें। ये मामला बेहद संगीन और संवेदनशील है क्योंकि पीड़ित लड़की के नाबालिग होने के साथ साथ इस मामले के तीनों आरोपियों की भी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, सभी 17-18 साल के हैं। इस घिनौने कृत्य ने उनका भविष्य अब अंधकारमय कर दिया है। एजाज खान के साथ विवेक कुमार भट्ट, मुंबई आज तक।